पटना से सटे सोनपुर जिला सारण में भू माफिया का तांडव बदस्तूर जारी है। बताया जा रहा है कि सोनपुर में एक गांव है शिवपुरी परमानंदपुर, जहां पिछले 10 सितंबर 2024 को एक रेलवे कर्मचारी जगन राय ने अपने बाहुबली के जोर पर एक गरीब परिवार को बहला फुसला कर उससे 8 कट्ठा जमीन अवैध तरीके से लिखवाया और मृतक हरेंद्र राय जब पैसा मांगने गया तो उसे बुरी तरह लाठी डंडे से मारा गया, जिसके बाद इलाज के दौरान पटना के पीएमसीएच में मृत्यु हो गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पुलिस अभी तक एफआईआर होने और 26 दिन बीत जाने के बाद भी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में नाकामयाब रही है। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। देखिए, ये सोनपुर का इलाका है, यहाँ एक आपराधिक मामला हुआ था सितंबर में लगभग 10-15 तारीख के बीच, और उसमें उस आपराधिक मामला में मामला तो ये था जमीन का, चूंकि उधार लिया था और उधारी के बदले जमीन जबरन लिखा लिया गया, और जब जबरन जमीन लिखा गया, जबकि अवैध तरीके से जमीन लिखाया गया, चूंकि ये जो शख्स हैं इनके बेटे की हत्या की गई है और वो ज़मीन इनके नाम से ज़मीन है, और वो जबरन जो लिखवाया गया था और उसके बाद जब उनकी पत्नी ये पैसा मांगने के लिए गई तो उन लोगों को मारपीट करके भगा दिया गया। एक दिन उनको उठा के ले गया और साथ ही ये बताया जा रहा है कि 2 दिन तक उन्हें लापता कर दिया और 3रे दिन उसे इतनी मार मारी जो मारने के बाद फिर घर पे आके वो लोग रख दिए, उसका सर फटा था। और वो इन लोगों ने पुलिस केस भी किया है, उस पर मर्डर का भी धारा लगा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज तक अभी तक जो सोनपुर थाना पुलिस है उसने अभी तक गिरफ्तारी नहीं की है अपराधी की, जो नामजद अपराधी है या नामजद जो दोषी इन लोगों का जो आरोप है, आरोपी जो है, उन आरोपियों को अभी तक पकड़ाया नहीं गया है। उन पर एफआईआर तो हुए ज़रूर हैं लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। ये प्रशासन पर एक बड़ा सवाल आता है। अब देखना होगा कि इन लोगों की मदद के लिए प्रशासन कितने कारगर हो पाते हैं। क्या नाम है? अनीता देवी। क्या हुआ है, मामला क्या है आपके यहाँ? मेरा मामला हुआ है जगन राय 7 तारीख की जमीन लिखवा लिया। जगन राय गया तो हम जगन राय के टोकबू किए कि आप कहाँ ले जा रहे हैं, तो जगन राय बोला कि शत्रुहन राय भी छोड़ देंगे रहे हैं। उसके बाद हम घर चले आए, उसके बाद वो ले गया रजिस्ट्री में जमीन लिखवा लिया, लिखवा कर 2 दिन उसका नपाता कर दिया है। नपाता कर कर उसको 10 तारीख के बेहोश मार पीट कर हमको दरवाज़ा पर आके पार दिया। हम बोले, दो टापा बोला कि मेरा से जगन राय जमीन लिखवा लिया और 20,000 रुपया हम शत्रुहन राय के दिए हैं। किसको दरवाज़ा पर मार के ले आया? जैसे कि शत्रुहन राय के दरवाज़ा पर था तो वहाँ से हम लोग जाकर उठा कर ले आए। किसको? हरेंद्र राय को। आपका पति था? पति था, हाँ, हाँ। तो उसको ले आए तो वो एक टापा बोला कि मेरा से जमीन लिखवा लिया आ 20,000 रुपया जगन राय दिया है तो हम शत्रुहन राय के हवाले दे दिए हैं। हम उसके बाद कहने के तो चलो घर पूछेंगे आपसे, तो हम वहाँ से ले आए। उसके बाद में उनको लटपटाते हुए पूरा दूसरे लार पार गिरावते हुए वो यहाँ पर चले आए। उसके बाद में जो गिरा बेहोश हुआ उसके बाद में बोला नहीं हमसे। तब क्या हुआ? उसके बाद में हम हाली डॉक्टर वीरोकन ले गए, उसके बाद सीमान में ले गए, सीमान में से फिर विजयनगर में ले गए, कोमा में ले गए, तो वहाँ से PMCH रेफर कर दिया। बोला कि हरेंद्र बचने वाला नहीं है, इसको बहुत मार पड़ा है, चोट हुआ है। उसके बाद में हम लोग PMCH लेकर चले आए। उसके बाद में हम फ़ोन किए जगन राय पर, जगन राय हम लोग से एरी टेढ़ी बोलने लगा, गारागारी भी करने लगा, बोला कि हम समझ लेंगे तुमसे। तो बचने वाला नहीं है तो वो मरा कब? मरा जैसे वो मरा 14 तारीख के, 14 सितंबर को। हाँ, 14 तारीख के। तो अभी आपने क्या किया, अभी क्या चाहते हैं आप? हम उनको साथ हम यही करना है चाहते कि मेरा जान ले लिया, जमीन ले लिया, उनको साथ कुछ कर कर दिखाएंगे। बस हम गरीब परिवार हैं, भाई में अकेले थे, हम 3 गो बाल बच्चा लेके हम कैसे रहेंगे। आपने केस उस किया है? हम केस किए हैं। तो अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? गिरफ्तारी नहीं हुआ है। एक बार आया थाना पुलिस, दुनिया संसार किया। किस आदमी पे केस किया है, क्या क्या नाम है उसका? जगन राय नाम है, राहुल कुमार नाम है, शत्रुहन राय नाम है, उसका बेटा का नाम राहुल कुमार है। बाबा, हरेंद्र के साथ क्या हुआ? हरेंद्र के साथ उनको हुआ कि एक चटैया था, हम गैस नहीं किया, वो आके बोला के ले गया तो पूछे कि कहाँ जा रहे हैं, तब यही जैसे छोड़ने का काम है।
और उसको वही दिन से ना पता कर दिया, ले जा कर पिया खिया के लिखा के ब्याह वहाँ में दस्तखत करा हमको मृतुक बना दिया कि पिताजी मृतुक। और तब उसको बाद में जो आया 10 तारीख के ये लोग जो है कि हल्ला करेगा तो चढ़ाई हो जाएगा तो जमीन नहीं होगा, इसी कारण से उसको पाप घेर लिया, साले को मार दिया हमारा बेटा को, एक पैसा मार दिया, मार दिया आपके बेटा को। हाँ कौन मारा? वह जमीन लिखाया जगन राय मारा, जगन राय। अग्नू राय का दूरा पर जो छत्रोहन रहा है दोनों मिलल है, अब नु लीला होता है कि गाछी वाला नहीं रहे वही तो बोला के तो अब अपने में बपवा करिए वही तो ही के अब ठीक। तो पुलिस के पास केस किए तो उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है? एक दिन केस किए, एक दिन आकर जाकर बोला कि हाजिर हो जाओ ना तो साले तुमको दशक है। आपको इसमें पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ है क्या? हाँ मिला हुआ है। हाँ ना नहीं आया है। हाँ मिला हुआ है, जगन ने रुपया दिया है, मिला हुआ है। केस नंबर 803/24 जो हरेंद्र राय की घटना हुई थी जिसमें कि उसकी हत्या का आरोप लगा रहे हैं उनके परिजन, उस मामले में जब हमने आईओ से यानी सोनपुर थाना के आईओ से जब हमने बात किया, मैं अभी मौजूद हूँ सोनपुर थाना के कैंपस में, और वहाँ जब मैंने आईओ से बात करने की कोशिश की तो आईओ ने कहा कि मैं अपनी बयान तो नहीं दे सकती, वो उच्च अधिकारी देंगे, लेकिन उनसे बातचीत के दरमियान उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम 2 से 3 दिन में कार्रवाई करके जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तारी करने की हम कोशिश करते हैं। अभियुक्त के तौर पर जगन राय और राहुल राय और ऐसे 5 लोग हैं जिसमें कि लाठी डंडा से मार कर सर पर वार करके उनकी हत्या करने का आरोप उन पर लगा हुआ है, और इस मामले में सोनपुर पुलिस तत्परता से काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला है, 1-2 दिन में मिल जाएगा, लेकिन हम उनकी त्वरित कार्रवाई अभी करना शुरू करेंगे। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़।